नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजी और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह भारी बारिश के चलते एक घर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना यहां के दिलकुश इलाके की है, जहां सुबह दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को शोक जताया है, साथ ही परिवार को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव के भी घर की छत ढह गई। ये हादसा ही परिवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला घायल बताई जा रही है। फिलहाल दोनों जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बता दें कि हादसा लखनऊ कैंट के दिलकुश इलाके में हुआ है, जहां दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही लखनऊ डीएम सूर्य पाल द्वारा घटनास्थल पर पहुंचे। घटना का जायजा लेने के बाद उन्होंने स्क्रम पर घटना पर जांच की बात कही। दरअसल भारी बारिश के कारण इस तरह की घटना घटने की बात कही जा रही है। 4 दीवार की नींव कमजोर होने के कारण भारी बारिश की दीवार झेल नहीं पाई। वही घटना की सूचना मिलते ही डीएम घटनास्थल पर पहुंचे। डीएम ने हादसे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हादसा कल रात को हुआ, जहां भारी बारिश के कारण निर्माणाधीन दीवार के गिरने से हुआ। डॉक्टरों ने दोनों घायलों के खतरे से बाहर बताया है। डीएम ने भी सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में मृतक लोगों को संवेदना जाहिर की है। उन्होंने घटना पर मृत परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने घायलों की फ्री उपचार की व्यवस्था का निर्देश भी दिया। वहीं स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहा है। इस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में एक घर की छत ढहने का मामला सामने आया है। यह छत गिरने से 2 नाबालिग समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में एक महिला घायल है। बता दें कि हादसे में 20 साल की किशोर, 4 साल और 6 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायल महिला की पहचान मृतकों की मां के रूप में हुई है। फिलहाल घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।